हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालुंखे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा की 5वीं कविता देखने वाले हैं, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस और इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। पहले हम कवि के बारे में जानकारी देखेंगे। 20 मई 1990 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हो 15 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति के प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदंबरम संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। अभी हम लोगों ने देखा कवि के बारे में जानकारी। अभी हम देखेंगे इसका पाठ प्रवेश। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो, हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से
संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। अभी हम क्या करेंगे, हमारी कविता का पठन करेंगे। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखला कर पर्वत अपार, मेखला कर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में नीज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निरजर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चा कक्षाओं से तरुवर। है झाक रहे नीरव नभ पर, अनिमेश अटल कुछ चिता पर, अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अभी हम लोगों ने क्या किया, इन पंक्तियों को पढ़ा। अब अगली पंक्तियाँ। रवशेष रह गए हैं निरझर, रवशेष रह गए हैं निरझर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचरत, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्र जाल। अभी हम लोगों ने क्या किया, अपने इस कविता का पठन किया। अब हम देखेंगे इन कविता के पंक्तियों का अर्थ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में नीज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पर पावस शब्द से तात्पर्य है वर्षा ऋतु। पावस का मतलब क्या है, वर्षा ऋतु। पल पल यानी कि क्षण क्षण, परिवर्तित बदला हुआ, प्रकृति वेश मतलब प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार मतलब क्या होता है असंख्य, सहस्त्र मतलब क्या हजारों, दुर्ग सुमन मतलब क्या पुष्प रूपी आँखें, अवलोक मतलब देख, महाकार मतलब बड़ा ढांचा। अभी हम लोगों ने क्या देखे, ये इस पंक्तियों के शब्दार्थ। अभी हम देखेंगे पंक्तियों का अर्थ। इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों के मनोरम दृश्यावली का वर्णन हुआ है। इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन हुआ है। प्रकृति के प्रतिपल बदलते रूप सौंदर्य का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। मंडलाकार पर्वत तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। ऐसा लगता था
मानो वह पर्वत अपने हजार हजार पुष्प रूपी आँखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। उसमें पर्वत का क्या हो रहा था? पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। अभी हम अगली पंक्तियां देखेंगे। गिरी का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्भर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चांकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। गिरी शब्द से तात्पर्य क्या है? पर्वत। गौरव यानी महिमा। मद मतलब मस्ती। नस नस यानी कि रग रग। उत्तेजित का अर्थ है भड़काया हुआ। लड़ी यानी कि माला। झरता यानी कि गिरता, निर्झर झरना। गिरिवर ऊंचा पर्वत, ऊंचा कांक्षा, ऊंचा उठने की इच्छा। तरवर पेड़, नीरव मौन, अनिमेश एकटक, अटल सदा बना रहने वाला, चिंता पर चिंता में मग्न। कवि ने इन पंक्तियों में पर्वतों से बहते झरनों और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हो। इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के समान है। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतित खड़े हैं। अब हम देखेंगे अगली पंक्तियां। उड़ गया अचानक लो भूदर फड़का अपार पारद के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभयशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलत यान में विचर विचर था खे इंद्र खेलता इंद्र जाल। भूदर मतलब क्या होता है? पहाड़। अपार बहुत अधिक, पारद के पर पारे के समान सफेद चमकीले पंख। पार वारिद मतलब क्या? बादल। पर मतलब पंख। स्वशेष केवल आवाज रह जाना। भू यानी कि धरती, अंबर आकाश। धस गए दब गए, सभय
भय के साथ। ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल यानी कि अद्भुत खेल। कवि ने इन पंक्तियों में पल पल बदलते प्रकृति के दृश्य का रमणीय शब्द चित्र अंकित किया है। इसमें वर्षा ऋतु में बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने, फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने तथा तालाबों से उठनी वाली धुंध का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। शाल के वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धंस गए हैं। तालाब से धुआं उठने लगता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इंद्र भी अपनी जादूगरी के खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अभी हमने क्या देखा? पंक्तियों का अर्थ। अब हम देखेंगे इसका क्या देखेंगे? भावार्थ देखेंगे। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं। पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया है। विशालकाय पर्वत तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है। झरने उसके गौरव का गान करते हैं। झरने झागों के रूप में अनोखी छटा उपस्थित करते हैं। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना पर्वत के विशाल आकार को गायब कर देता है। यह सब दृश्य जादू भरा खेल प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना कवि का उद्देश्य रहा है। और इस तरह से हमने आज पर्वत प्रदेश में पावस कविता क्या की है, कंप्लीट की है।